हाई एवरी वन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सो हम यहाँ पर जो है क्लास टेंथ की जो एन सी ई आर टी है उससे कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की एंड इसके थ्री चैप्टर्स जो हैं हम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर फोर तो जिसमें हम जो है कुछ मॉडर्न uh, वर्ल्ड जो है यहाँ पर वो किस तरह से कनेक्ट हुआ था नाइनटीन सेंचुरी में उसके बारे में हमने बात की थी अपनी uh, अपने थर्ड चैप्टर में एंड कुछ और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स राइट उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थी चैप्टर नंबर फोर तो इसमें हम जो है कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एज है उसके बारे में बात करेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले हम जो है कुछ जो बाहर वाली यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे या फिर जो दूसरी बड़ी पावर्स थी बड़ी

राइट right? तो यही चीजें जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे कि एक्चुअल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है मतलब क्या है क्या इसका एक्चुअल में मतलब यही होता है कि जिस कंट्री में फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी वहां पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है तो इन सब चीज़ों को जो है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे राइट सो लेट स्टार्ट द टॉपिक तो दिस इज द टॉपिक दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यहाँ पे क्या होता है नाइनटीन हंड्रेड में एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर थे जिनका नाम है ई टी पोल तो वो एक म्यूज़िक बुक जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो उस बुक के ऊपर जो है एक पिक्चर थी एंड उस पिक्चर के जो है जिसे एक कवर पेज के ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ था एंड ये वो पिक्चर है राइट right? एंड इसमें यहाँ पे लिखा हुआ थी डॉन ऑफ सेंचुरी की जो सेंचुरी है उसकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एक नई सेंचुरी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ये मतलब है इसका तो इस तरह की पिक्चर जो है कवर फोटो जो होती जिसे है जैसे हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे बुक के ऊपर लगाई हुई थी तो इसमें जो है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डेड के सेंटर में यहाँ पे एक गॉडेस की पिक्चर है गॉडेस लाइक फिगर है तो जिसे बोला जाता है डैड शी इज द एंजल ऑफ प्रोग्रेस राइट प्रगति जो होती है वो इसके परी है एंड वेरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी जो क्या दिखा रही है कि नई सेंचुरी का जो है एक फ्लैग जो है वो यहाँ पे दिखा रही है एंड uh, वो एक तरह से एक व्हील के ऊपर खड़ी हुई है और उस व्हील को जो है विंग्स लगे हुए हैं एंड विंग्स का मतलब है यहाँ पे कि जो टाइम है वो यहाँ पे निकलता जा रहा है वो चेंज होता जा रहा है अब जो सेंचुरीज है नई सेंचुरी, सेंचुरी यहाँ पे आ रही है नई चीजें जो है वो यहाँ पे आ रही हैं, एंड नया टाइम जो है वो यहाँ पे आ चुका है तो ये जो व्हील है इसके यहाँ पे आप विंग्स भी देख सकते हो यहाँ पे विंग्स लगाए हुए हैं मीन हम जो है नई सेंचुरी में जा रहे हैं नई सेंचुरी में एंटर कर रहे हैं राइट एंड उनकी जो फ्लाइट है वो क्या दिखा रही है हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इन टू दूचर तो वो जो है किस तरफ जा रही है वो नई सेंचुरी की तरफ जा रही है फ्यूचर की तरफ जो है वो जा रही है तो उनके इर्द गिर्द यहाँ पे इस एंजल के इर्द गिर्द जो है कई सारे जो प्रोग्रेस के साइन होते हैं ना जैसे रेलवे हो गया कैमरा मशीन प्रिंटिंग प्रेस हो गई फैक्ट्री हो गई तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो ओके okay, ये यहाँ पे जो है फ्लोट कर रही हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ का जो है सिंबलाइज कर रही हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही सिंबलाइज कर रही हैं एक अच्छे जो नया फ्यूचर है हमारा उसे वो सिंबलाइज कर रही हैं नए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नए टूल्स यहाँ पे आ चुके हैं हर एक चीज़ के लिए जो कि एक जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू यहाँ पे फास्ट वे में हो सकती है राइट सो दीज ऑल आर दी साइन ऑफ प्रोग्रेस तो ये चीजें यहाँ पे जो है दिखाने की कोशिश की हुई है तो 1900 से ही हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एज है वो स्टार्ट होती है तो क्या एक्चुअल में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 1900 में ही स्टार्ट हुआ था उससे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था या नहीं था राइट वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले वाली एज थी यहाँ पे ये यह जो नए टूल्स आने से पहले जो नई मशीन्स यहाँ पे आने से पहले उससे पहले भी यहाँ पे व्यापार होता था तो उस एज को हम जो है एक इंडस्ट्रियल एज नहीं बोल सकते हैं क्या वो सब चीज़ें जो है हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे सो दिस ग्लोरीफिकेशन ऑफ द मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क इन अ पिक्चर विच अपेयर ऑन द पेजेज ऑफ ट्रेड मैगजीन एक ट्रेड मैगजीन भी यहाँ पे छापी गई थी तो वहाँ पे भी जो है कई सारी पिक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं एंड वो पिक्चर्स भी जो है किस चीज़ को सिम्बलाइज करती हैं उसमें भी जो है मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी को ही जो है ग्लोरीफाई किया हुआ था एंड इसमें जो है ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक मैगजीन के ऊपर पिक्चर्स लगाई हुई हैं एंड ये जो है ये मैगजीन्स क्या दिखा रही हैं टू मेजिशियंस को यहां पे दिखा रही हैं दो जादूगर यहां पे दिखा रही हैं एक ये वाले होंगे दूसरे यहां पे ये वाले होंगे ओके okay? एंड ये जो फर्स्ट वाले हैं ना इसे जो है एक तरह से अलादीन के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है जो कि पुराने वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं एंड हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस एक काफ़ी ब्यूटीफुल पैलेस जो है वो उन्होंने यहाँ पे बना रखा है अपनी मैजिक लैम के साथ एंड जो बॉटम में है ये वर दूसरे वाले जो हैं वो एक मॉडर्न मैकेनिक हैं एंड उनके पास जो है कुछ मॉडर्न टूल्स हैं एंड उन्होंने जो है अपने जादू के थ्रू जो है कुछ मॉडर्न चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे बनाई हैं जैसे कि ब्रिज ब्रिज uh, होते हैं वो बनाए हैं शिप्स बनाए हैं टावर्स बनाए हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं इन सब चीजों को आप जो है यहाँ पे देख सकते हो ओके तो जो अला दिन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं वो हमारे ईस्ट को या फिर हमारा जो पास्ट है उसे वो सिंबलाइज कर रहे हैं एंड जो मैकेनिक है दूसरे वाला मैकेनिक जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को या फिर जो मॉडर्निटी होती है ना उसे वो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं सो so, एक तरह से ये इमेजेस क्या दिखा रही हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड को जो है यहाँ पे दिखा रही हैं कि हम पुराने वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ किस तरह से जो है जा रहे हैं एंड विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशन तो यहाँ पे इस अकाउंट में हम ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है मॉडर्न वर्ल्ड जो एक ऐसा वर्ल्ड होता है जिसमें जो है काफ़ी सारी जो है टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं नए इनोवेशन यहाँ पे होते हैं नई मशीन एंड नई फैक्ट्रीज आती हैं रेलवे शिप्स जो है उसकी उसमें जो है इनोवेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो जब ऐसी एज आ जाती है ना उसे यहाँ पे बोला जाता है मॉडर्न वर्ल्ड राइट सो हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियाजेशन दस बिकम सिंपली अ स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट तो इंडस्ट्रियाजेशन की हिस्ट्री को हम किस चीज़ के साथ जोड़ते हैं डैट इट इज सिंपली अ स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट जब डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाती है एंड उसे हम इंडस्ट्रियाइजेशन की एज बोल देते हैं एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज ए वंडरफुल टाइम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस राइट तो मॉडर्न एज क्या होती है यहाँ पर टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होती रहती है सो so, ये जो इमेजेस हैं एंड ये जो हैं हैव नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर इमेजिनेशन इमेजिनेशन यही है ना लोगों की हमारे मन में कि जहाँ पे हमें नए इनोवेशन सीखने को मिल रहे हैं नए टूल्स नई मशीन्स सीखने को मिल रही हैं तो ऐसी अगर जिस एज में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो हमारे माइंड में यही चीजें आती हैं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो डिड यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड द मॉडर्निटी तो आप जो है यही देखते हैं ना कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें प्रोग्रेस हो रही है एंड मॉडर्निटी आ रही है एंड डू यू नॉट थिंक दैट दी स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस इज अ साइन ऑफ सोसाइटीज डेवलपमेंट तो ये सब चीजें जब बन जाती हैं तो ये किस चीज का जो है साइन है सोसाइटी के डेवलपमेंट का ही जो है साइन है तो ऐसी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन में आती हैं एंड हैव यू हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप तो ये इमेजेस जो है किस तरह से डेवलप हुई है ये इमेजिनेशन जो है वो किस तरह से उनके माइंड में आया था एंड हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज़ एंड इन आइडियाज़ के साथ हम किस तरह से रिलेट करते हैं कि जब मॉडर्न एज है ये जो सारी चीज़ें जो है जिस एज में हमें देखने को मिलती हैं हम ये बोल देते हैं कि वो डेवलप हो गई है सोसाइटी प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है तो ये जो इमेजिनेशन है वो हमारे माइंड में किस तरह से आई है राइट सो इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब किसी में रैपिडली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी या फिर होगी तो हम तभी बोल सकते हैं ये जो युग युग है है. है वो का है. So, lives, right? है, उसका लोगों के ऊपर जो है लोग क्या उसे जो है देखते किस तरह से देखते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे सो टू आंसर सच क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को जो है, answer, जो है इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पूरी हिस्ट्री है ना उसे कवर करेंगे हम बैकग्राउंड से देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को राइट सो इन दिस चैप्टर लुक एट दिस हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन हम सबसे पहले ब्रिटेन के ऊपर फोकस करेंगे जो कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन था एंड आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन द इंडिया एंड वे द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वॉज कंडीशन बाय कॉलोनियल रूल राइट तो इंडिया में इंडस्ट्रियल चेंज जो है वो कब स्टार्ट हुआ था कोलोनियल रूल के अंडर हुआ था उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो इस तरह से हम ये सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे सो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन राइट हम जो है ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था उससे पहले की थोड़ी सी एज के बारे में हम देख लेते हैं राइट सो ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट दी इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री हम यही बोलते हैं कि जब फैक्ट्री इंडस्ट्री ग्रो हो गई है तो उसका मतलब यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है राइट right? जब कभी भी किसी के माइंड में भी इंडस्ट्रियालाइजेशन वर्ल्ड आता है तो वो यही सोचता है कि उस कंट्री में जो है काफी सारी यहाँ पे फैक्ट्रीज होगी राइट right, यही लोगों के माइंड में आता है सो व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम फैक्ट्री प्रोडक्शन को ही रेफर करते हैं तो जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तो हम फैक्ट्री वर्कर्स की ही बात कर रहे होते हैं एंड हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज तो हम जितनी भी हिस्ट्री अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पढ़े कोई भी हिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़े तो उस हिस्ट्री को जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट किया गया है जब किसी कंट्री में जो है पहली फैक्ट्री जो है वो सेटअप की गई थी बट ऐसे आइडियाज़ के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो जब फैक्ट्रीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई थी सेटअप की गई थी तो उससे पहले भी यहाँ पे जो है लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था राइट उससे पहले भी जो है चीजें बनाई जाती थी इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो हम ऐसा क्यों है कि जब फैक्ट्री सेटअप कर दी गई है तो उसी एज को ही हम बोलते हैं कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था सो दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन दी फैक्ट्रीज तो एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज राइट तो इससे पहले भी इस एज से पहले भी यहाँ पे जो है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ करता था फॉर द इंटरनेशनल मार्केट and many historians now refer to this phase of industrialization as a proto industrialization to ye jo proto ka matlab hota hai na kuch jo initial phase hoti hai na kisi bhi cheez ki use proto industrialization bol diya jata hai right? तो जो पुराना phase है जब factory setup नहीं हुई थी तब भी यहाँ पे जो है large scale पर production हुआ करता था तो historians जो है उस age को उस phase को जो है proto इंडस्ट्राइजेशन के नाम से जो है एक तरह से refer करते हैं सो इफ वी टॉक अबाउट द सेवेंटीन एंड एटीन सेंचुरी की बात करें तो उस समय में भी जो व्यापारी थे फ्रॉम द टाउन्स इन द यूरोप बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइट वो सिटी में जाके जो है रहना स्टार्ट कर देते जो कि छोटे टाउन्स में रहा करते थे एंड सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड जो वो किसानों को जो है पैसा दिया करते थे जो कि गाँव में रहते थे एंड आर्टिंग्स को वो पैसा दिया करते थे एंड उन्हें बोलते थे कि आप जो है हमारे लिए प्रोड्यूस करें चीज़ें हमारे लिए जो है पैदावार करें कोई भी चीज़ राइट कोई अनाज हो गया या फिर कोई भी चीज़ जो है उसे प्रोड्यूस करें And उस चीज को सो तो डेट हम इंटरनेशनल मार्केट में जाकर जो है बेच सके सो विद दी एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो तो पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा फैल चुका था एंड कॉलोनीज़ यहाँ पे बन चुकी थी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उन्होंने कई सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तो तब जो गुड्स की डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंड हो जाता है एंड कॉलोनीज़ यहाँ पे बन जाती हैं तो उस समय में चीज़ों की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बट मर्चेंट्स को नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन विद इन द तो छोटे टाउन्स में जो व्यापारी है ना वो खुद अपना प्रोडक्शन जो है एक्सपेंड नहीं कर सकते थे वो इस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे डैट इज़ वाई जो है वो गांव में जो किसान होते हैं उन्हें बोलते हैं कि आप जो है ये चीजें उगाएं, ये सारी गुड्स जो हैं, इसे प्रोड्यूस करें सो so देट की जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके उसे बेच सके राइट सो दिस वॉज बिकॉज येयर अर्ब एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्स फर पावरफुल तो ऐसा क्यों है कि वो टाउन्स में क्यों यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर सकते थे क्यों यहाँ पे खेती नहीं कर सकते थे या फिर गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो अर्ब एंड क्राफ्ट होता है या फिर जो ट्रेड गिल्स हैं ना वो ज्यादा पावरफुल थे सो so, एक एसोसिएशन होती थी प्रोड्यूसर्स की डे ट्रेंड द कराफ्ट पीपल जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो ट्रेंड करते थे एंड मेटेन कंट्रोल ओवर दी प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो होता है उसके ऊपर भी मेनटेन करते थे उसे अच्छे से कॉम्पिट शन को रेगुलेट करते थे प्राइसेस को वो रेगुलेट करते थे एंड नए पीपल जो है वो यहाँ पे एक तरह से ट्रेड में एंट्री ना कर सके उनके ऊपर भी वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे सो रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स दी मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है शहरों में जो टाउनस होते थे छोटे छोटे राइट वहां पे जो है जो रूलर्स थे उन्होंने ही जो है इन गिल्ड्स को बोला गया था कि आप आप उन्हें जो हक दिया गया था आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज़ें एंड जो है आप उसका व्यापार भी कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स

व्यापारी बन जाते हैं सो इन द कंट्री साइड यहाँ पे शहरों में भी जो पुअर पेजेंट्स होते थे यहाँ पे जो आर्टिजेंस थे दे बिगिन वर्किंग फॉर दी मर्चेंट्स एंड अब जो है शहरों के जो पुअर पेजेंट्स हैं जो आर्टिजेंट्स हैं उन्होंने अब इन व्यापारियों के लिए जो है काम करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे जो गाँव के लोग होते हैं गाँव के पेजेंट्स हैं उन्होंने इन मर्चेंट्स के लिए जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था तो so, जैसे कि आपने प्रीवियस जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे नाइन्थ क्लास की एथ क्लास की उसमें भी आपने देखा है डैट दिस वाज़ ए टाइम जब ओपन फील्ड्स जो थे वो डिसअपियर हो रहे थे एंड कॉमन्स वर बीइंग दी इंक्लोज राइट एंड जो कॉटेज एंड पुअर पीजेंट्स जो होते हैं जो कि एक समय में कॉमन लैंडस के ऊपर डिपेंड होते थे अपने सर्वाइवल के लिए फायरवुड को वो गैदर किया करते थे बेरीज को गैदर किया करते थे वेजिटेबल्स स्ट्रॉ या फिर जो कुछ और चीज़ें होती हैं उन्हें वो गैदर करके अपना खाना इकट्ठा करते थे आप जो है वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो होते हैं इनकम के वो यहाँ पे फाइंड कर रहे थे जो गरीब पेरेंट्स थे राइट right? आप जो है वो एक तरह से व्यापारियों के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो रेडी भी हो जाते हैं क्योंकि देवर ऑलवेज लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम राइट सो so, कई लोगों के जो है जो लैंड थी वो काफ़ी छोटी छोटी थी उनके पास ज़्यादा बड़े प्लॉट नहीं थे वो खेत नहीं कर सकते थे विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी हाउस होल्ड डेट इज़ वाई जो है वो पूरे घर के मेंबर जो है वो ए, उस खेत में काम नहीं कर सकते थे तो so, जब कभी भी जो मर्चेंट्स हैं उनके पास आते थे एंड उन्हें जो है वो एडवांस देने की कोशिश करते थे कि आप हमारे लिए गुड्स को प्रोड्यूस करें तो पीजेंट्स जो है वो एक तरह से उसी वक्त जो है हाँ कर देते थे कि हम आपके लिए ये चीज़ें जो है वो उगाएंगे उसे प्रोड्यूस करेंगे एंड इस तरह से मर्चेंट्स के लिए काम करके एंड टू कुड दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड वो सिटी में ही रह सकते थे उन्हें जो है दूर कंट्रीज uh, में जाके जो है काम नहीं करना पड़ता था एंड जो है वो अपने छोटे प्लॉट्स को जो है कल्टीवेट भी कर सकते थे एंड इस तरह से जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शनस है वहां से उनकी जो इनकम है राइट right, वो यहां पे एक तरह से कंटिन्यू रहती है राइट इट सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम दी कल्टीवेशन कल्टीवेशन से तो उनकी इनकम जो है कम हो रही थी तो थोड़ा बहुत जो उनकी इनकम श्रिंक हो रही थी वो यहाँ से पूरी हो रही थी प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से राइट एंड इट ऑल्सो अलाउड देम फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज तो उनकी फैमिलीज इतनी बड़ी होती थी लेबर तो उन्हें अपनी फैमिली से मिल जाती थी तो अपनी फैमिलीज की ही जो है लेबर रिसोर्सेज को वो यहाँ पे यूज किया करते थे एंड विद इन दिस सिस्टम इस सिस्टम में जो पुराना सिस्टम था ना यहाँ पे प्रोडक्शन का इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो यहाँ पे एक क्लोज रिलेशनशिप जो होता है वो डेवलप हो जाता है बिटवीन एंड एंड जो जो मर्चेंट्स कि एक टाउंस में रहा करते थे बट दी वर्क वाज डन मोस्टली इन दी साइड वो कंट्री साइड में अब जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं अ मर्चेंट क्लोदियर इन द इंग्लैंड वूल फ्रॉम वूल स्टेपलर तो एक व्यापारी जो कि इंग्लैंड से है वो वूल स्टेपलर से वूल खरीदता है कैरी टू दी स्पिनर्स एंड स्पिनर के पास जो है उसे वो लेके जाता था यहाँ पे वूल को स्पिन किया जाता है एंड थ्रेड उसका बनाया जाता है एंड ये जो स्पन जो थ्रेड होता है ना उसे जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से जो है गुजरना पड़ता था देन उसके उसे जो है वीवर्स के पास लेके जाया जाता था एंड आफ्टर डैट जो है उसे डायर्स के पास लेके जाया जाता था तो इस तरह से जो है कपड़ा बनता है तो कपड़ा जो है वो कई सारी स्टेज में होकर गुजरता था एंड हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पे छोटे छोटे काम करते थे जब एक स्टेज जो पूरी हो जाती थी वहाँ से जो है चीज को आ, माल को उठा के जो है दूसरी जगह पे पहुंचाना होता था, था सो डेट कि वहां पे उसे नेक्स्ट स्टेज से जो है गुजरा जाए राइट right? तो जो फिनिशिंग जो है वो कहाँ पे की जाती थी वो लंदन में की जाती थी एंड देन उसे जो है इंटरनेशनल मार्केट आप मार्केट में जाके जो है बेच दिया जाता था तो लंदन जो है वो फिनिशिंग सेंटर बन जाता है कई चीजों का तो इस तरह से जो छोटे टाउन थे एंड जो एक तरह से इनके कंट्री साइड तो जो बड़े शहर थे उनके बीच में जो है कनेक्शन जो होता है वो डेवलप हो जाता है एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है Okay, तो ये जो था, right? setup, setup होने से पहले भी तो सिस्टम हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे भी कमर्शियल एक्सचेंजेस हो रहे थे राइट एंड इट वॉज कंट्रोल्ड बाई मर्चेंट्स एंड दी गुड्स वर बाय बाई वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स तो यहाँ पे इस सिस्टम में जो है मर्चेंट्स हुआ करते थे एंड जो गुड्स हैं वो यहाँ पे कई नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो है उगाई जाती थी एंड जो कि अपने ही खेतों में काम करते थे उनकी फैमिली जो होती है रेट वो यहाँ पे काम करती थी बट जो है वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करते थे बट यही डिफरेंस था ओके okay, वो अपने छोटे छोटे जो प्लॉट होते थे वहीं पे खेती करते थे बट वो फैक्ट्रीज में काम नहीं किया करते थे राइट सो एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो जैसे कि आप देखते हो कि कपड़ा बनाने के लिए कई सारी स्टेजेस से जो है होके गुजरना पड़ता है तो हर स्टेज में जो है 20 टू 25 वर्कर्स जो थे वो यहाँ पे इंप्लॉय किए गए थे बाय ईच मर्चेंट एंड इसका मतलब ये हुआ कि एक जो क्लोदियर होता था जो कपड़े का व्यापारी होता था ना उन उसके पास जो है हंड्रेड ऑफ वर्कर्स यहाँ पे काम किया करते थे तो हम जो है इस एज को इंडस्ट्रियल एज क्यों नहीं बोल सकते तो ये भी एक इंडस्ट्रियल एज ही है

ये मेन डिफरेंस है इनके बीच में सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड अगर